वर्क्स एक नई सुबह के साथ, और आज आ रहे न्यू डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल ट्रिप है और बहुत टाइम से प्लान बन नहीं पा रहा था, बट फाइनली वी कुड फाइंड टाइम और अब काम से टाइम निकाल कर हम लोग इस ट्रिप को फॉलो करने वाले हैं। सब चीज़ें बहुत प्लान है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, बिकॉज दूसरी कंट्री, एवरी कंट्री फंक्शंस डिफरेंटली, सो वी हैव अ गुड टाइम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और आपको ट्यून इन रखूँगी, हर चीज़ दिखाऊँगी, और पहुँचते हैं पहले एयरपोर्ट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। एयरपोर्ट पे चेक इन कर लेते हैं और बोर्डिंग गेट पे हमें बोर्डिंग पास मिल जाता है, तो वो बड़ा अचीवमेंट लगता है कई बार, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी लैग है जो चेकिंग प्रोसेस है, इमिग्रेशन पे टाइम लगता है, दे आस्क यू समटाइम्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो उसमें जब टाइम लगता है थोड़ा सा कभी बार फ्रीक आउट भी होता है। सो आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ कि आज फर्स्ट टाइम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, और मैं जल्दी आज उनका फेस भी आपको दिखाऊँगी, और लेट्स सी कैसे रहती है ट्रिप। सो हम लोग को हमारा चेक इन हो गया है गेट पे, और मैं अब अंदर जा रही हूँ, एंड द सरप्राइज इज कि आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर। पहले ये लोग बोल रहे थे जोन 3 एंटर करेगा या जोन 1 करेगा, मतलब कन्फ्यूजन मत करिए, आपने जो पहले बोला है वो करिए। सो अच्छा था कि एंट्री पहले हो रही है, और अच्छा लग रहा है, इज नो बडी बिहाइंड मी एज वेल, सो थोड़ा हैजल फ्री ट्रैवल करना मुझे अच्छा लगता है, एंड इट फील्स रियली गुड टुडे।
सो हम लोग लैंड कर गए हैं और चंगी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बस निकल के देखते हैं ये एयरपोर्ट कैसा है। एंड इट्स ऑब्वियसली ऑलरेडी ये बहुत इसको प्राइजेस मिलते रहते हैं इस वाले एयरपोर्ट को, बहुत मशहूर एयरपोर्ट है। सो आज नंबर वन एयरपोर्ट को देखने जा रही हूँ मैं कि कैसा दिखता है ये एंड कैसी हैं यहाँ पर चीज़ें। आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर एक्सप्लोरिंग सिंगापुर और वो सब चीज़ें लाइंड अप हैं कल के लिए, इवनिंग के लिए, और हम लोग यहाँ 2-3 दिन रहेंगे। सो ट्यून इन रखूँगी आपको, जब तक मैं भी थोड़ी सी मस्ती करती हूँ। ब्यूटीफुल कंट्री आ गए हैं और बस मैं इमिग्रेशन के लिए जा रही हूँ, फिर बस यहाँ से निकलेंगे होटल पहुँचेंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर शाम को डिनर के लिए कहीं निकलते हैं। सो गाइस मैंने बेड से अपना लगेज कलेक्ट कर लिया, बस मैं निकल रही हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होगी और उसके बाद निकलते हैं होटल के लिए। बाहर कोई बंदा आया होगा पिकअप के लिए डोर्स वालों से, तो बस उससे मिलती हूँ और फिर निकलती हूँ होटल के लिए। वाओ क्या मस्त वाटरफॉल दिख रहा है सामने ही ना, मतलब क्या ग्रैंड वेलकम होता है, मस्त लग रहा है काफी। हे गाइस दैट्स मैनमेड वाटरफॉल, बहुत मस्त है। दुबई के बाद नेक्स्ट वाटरफॉल हम ये देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा है क्योंकि फाउंटेन चल रहा है, और इधर राइट साइड में देखोगे तो एक जिम का कॉन्सेप्ट है, बाहर ही वर्कआउट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा सा एम्बियंस है। चंगी एयरपोर्ट काफ़ी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है और मेरे पीछे आप देख रहे हो मेरे हस्बैंड हैं। फाइनली इट्स टाइम कि मैं बता दूं कि आज हम इधर दोनों साथ में आए हैं, एंड आपको तो पता ही मोनोटोनस रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक मिलना ज़रूरी है, तो आज हम दोनों साथ आए हैं और एक्सप्लोर करेंगे सिंगापुर। सो आपको पता है हस्बैंड्स आए और सामान नहीं उठाए तो ऐसा इंडिया में तो नहीं होता है, इसीलिए आज हम बराबर करके अपना वेट अपना लगेज उठाएंगे और साथ में घूमेंगे, साथ में एक्सप्लोर करेंगे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत, और कल का जो टूर गाइड बताएगा, कल का जो हमारा लाइंड अप है, आई लेट यू नो, और आपको सब कुछ दिखाया जाएगा।